हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास है रियलमी GT6, इस वीडियो में आपको बताएंगे अपने फ़ोन के अंदर अगर 5G नेटवर्क सेटिंग करना है तो कैसे करेंगे, और आपको अपने फ़ोन के अंदर 5G नेटवर्क लाना है तो कैसे ला सकते हैं, 5G नेटवर्क आपके फ़ोन में नहीं आ रहे हैं तो कैसे ला के उन्हें यूज कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। इसी वीडियो में वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। 5G नेटवर्क सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। आपके एरिया में आ रहे हैं लेकिन आपके फ़ोन में नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले मिल जाता है मोबाइल नेटवर्क, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपनी सिम सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी सिम में सेटिंग करनी है तो यहाँ से अपनी सिम 1 को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मिल जाता है डाटा रोमिंग का ऑप्शन, इसे ऑन कर देंगे आप टर्न ऑन। यहाँ से आपको वाईफाई कॉलिंग का फीचर मिलता है, इसे भी आप ऑन कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको 2G 3G 4G नेक्स्ट दो ऑप्शन मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है 2G 3G 4G 5G, तो जो 5G वाला ऑप्शन है उस पर आपको इसे सेट कर देना है। और सेट करने के बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर 5G नेटवर्क आ जाएंगे। यहाँ से अगर आप नेट यूज करते हैं तो 5G नेटवर्क देखने के लिए मिलते हैं। अगर अब भी आपके फ़ोन के अंदर 4G नेटवर्क आते हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ मिल जाता है ऑपरेटर, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसे आप ऑफ करेंगे और आपको फ़ोन के अंदर ऑफ का ऑप्शन आता है। ओके, अब आपको फ़ोन सर्चिंग करेगा। सर्च करने के बाद जो भी नेटवर्क आपके फ़ोन में अवेलेबल हो जाएंगे उसे आप सेलेक्ट करके अपने फ़ोन में 5G नेटवर्क ला सकते हैं। तो इस प्रकार से फ़ोन की सेटिंग कर सकते हैं 5G नेटवर्क की। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।